हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम सीखने वाले हैं तेरे बिना नहीं लगता जी मेरा सोनिया, ऐसे कुछ करके गाना है जिसमें अजय देवगन थे। और ये गाना ये पवनदीप जी ने भी गाया था इंडियन आइडल में। तो इस गाने पे बहुत ही अच्छा एक पैटर्न बजा हुआ है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और इसमें फायदे की बात ये है कि इसमें सिर्फ एक ही पैटर्न बजता चला गया है पूरे गाने में। इससे क्या होगा कि आप अगर इस पैटर्न को सीख लेते हैं तो आप इस पैटर्न को गाने के साथ बजा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि कोई अलग अलग प्रकार के पैटर्न बजे हों तो आपको मुश्किल आने लग जाएगी, पूरे गाने को आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इस पैटर्न को अगर आप सीख लेते हैं तो गाने के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। और दूसरी बात, सेम यही पैटर्न दिल दिया है जान भी देंगे ये वाला गाना है, हर कर्म अपना करेंगे, उसमें भी बजा है, तो आपको दो फायदे होने वाले। तो इस पैटर्न को जल्दी से हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा बजाया, थोड़ा सा गुनगुना के कर देता हूँ, गा तो सकता नहीं हूँ, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इससे। देखिए क्या है, एक बार मैं बजा के बता दूँ। नर 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 ना नर ना ना से भी एक बार देख लीजिए बेस का हाथ कैसे चल रहा। थोड़ा सा देख के भी लोग सीखते हैं, आराम से जल्दी सीख जाते हैं। अगर देख देख के ज्यादा नोटिस करेंगे तो मैं तो ऐसे करके बता दूंगा, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ेगा ना कि हाथ किस तरीके से मुड़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो चीज आप पे निर्भर करता है। देखिए कैसे बजा, तेरे बिन नहीं लेना पैटर्न बजा हुआ है। तो दोस्तों, इस पैटर्न को सीख लेते हैं और से गाना हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, गाने के लिए तो आप सुर के लिए तो मेरे को सुर गाने वाने का कोई नॉलेज नहीं है, उल्टा सीधा जैसे मैंने समझाने के लिए आप लोग को जैसे समझा दिया आप समझ सकते हैं। तो जो ताल सेम यही चीज बजाना है, देख लीजिए कैसे बज रहा है, एक बार मैं बजा के बता देता हूँ और आपको बोल दे दूंगा, बोल से आप प्रैक्टिस, एक बार इधर से बता दूंगा, एक बार बेस की साइड से बजा दूंगा, बता दूंगा आप लोग को। देखिए कैसे बज रहा है, क्या बज रहा है, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता। अगर आप कोई ताल सीखते हैं तो इसी तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस करनी होती है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आप इतनी स्पीड पे बजा रहे हैं तो धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता। आप लोगों को बोल लिखे हुए मिल जाएंगे, देख लीजिए कैसे बज रहा है, धिट ताधा तिट धा, धिट ताधा तिट धाता, धिट ताता खिट ताता, ये बोले। देखिए कैसे बज रहा है, एक एक करके समझाते हैं और कहीं पे भी घिस्सा नहीं लग रहा है, सिर्फ खुले बोल बज रहे हैं। आप लोगों ने बजाते हुए देख लिया अभी होगा, देखिए कैसे बज रहा है, धी ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता खी ट ता, बस इतना सा है। और आपको प्रैक्टिस भी इतनी ही स्पीड से करनी, इससे भी स्लो स्पीड में। अगर आपको नहीं आता ये पैटर्न, थोड़ा सा धिट ताता तिट धीना ये सब नहीं बजा पाते हैं, तो इससे भी स्लो प्रैक्टिस करनी है। देखिए कैसे, धी बोल लिख लीजिएगा, पहला बोल क्या लिखा है, धी फिर ट फिर ता धिट ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता खी ट ता ता।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बजाना है। अब थोड़ा बेस की तरह साइड से देख लीजिए कैसे बजा है। डिट ता डिट ता दा डिट ता ता डिट ता ता टिट ता ता डिट ता दा टिट ता ता डिट ता ता टिट ता ता। ठीक है, कैसे बज रहा है? धी ट ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता खी ट ता ता। लंबे लग रहे होंगे लेकिन ये बहुत अच्छा पैटर्न है और आराम से सीख जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा चीज यूज हुई ना, घिस्सा नहीं हुआ है ना, का ऐसे कभी ना ये नहीं यूज है जिससे कि आपको मुश्किल आएगी। सिर्फ ऐसे ऐसे बजाए, देखिए धिट ताधा धिट धिट ताधा 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 धिट ताधा। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लीजिए। धिट ताधा धिट ताधा तिट धाता धिट ताता खिट ताता। ध्यान से रट लीजिएगा इस बोल को, बिना रटे गलत होने लग जाता है पैटर्न। मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ। अगर मैं ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को रटना पड़ा था कि पैटर्न में क्या क्या है, फिर थोड़े देर आधा घंटा एक घंटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके आपके सामने मैं आप लोगों को बता पाता हूँ। जल्दी ये याद नहीं रह पाते ये पैटर्न, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल रट रट के याद कीजिएगा। देखिए कैसे बज रहा है। धिट ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता खी ट ता ता। बस इतना ही करना है और आपको बस थोड़ा सा बेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब आप बेस बजाते हैं तो थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा घिस्सा सा लगता है जिससे बेस कंट्रोल होता है। अगर आप पूरा खुला मारेंगे तो गलत बजने लग जाएगा। थोड़ा सा दबा के फिर बेस मारिए। हाथ की पोजीशन आप ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे चल रही। देखिए और इधर ज्यादा कुछ नहीं, टिप टिप ताता टिप टिप ताता टिप टिप ताता टिप टिप ताता, बस यही चल रहा है। अगर जिनको तित ताता ऐसे नहीं है तो ऐसे ही बजा, बस ये चीज करना है। ठीक है, बिल्कुल स्लो स्लो करके आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस भी करवा देता हूं। देखिए कैसे बज रहा है। शुरुआत में आप लोगों को कैसे प्रैक्टिस करनी है, धी ट ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता की ट ता ता धी ट ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता की ट ता ता ती ट धा ता धी ट ता ता की ट ता ता ती ता धा ती ट धा ता धी ट ता ता की ट ता ता धी ट ता धा ती ट धा ता ती ता ता की ट ता ता। अगर इतनी स्पीड पे अगर आप पहुंच गए तो समझ लीजिए कि आपके बिल्कुल बोल क्लियर हो चुके हैं, आप सीख चुके हैं इस पैटर्न को। बस आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे आपकी उंगलियों में जान आएगी, जैसे जैसे जान आएगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। सीखने में और स्पीड बढ़ाने में बहुत बड़ा फर्क होता है। सीख तो अगर आप जल्दी सीख जाते तो आपकी दिमागी काबिलियत है, और आपको स्पीड बढ़ानी है तो ये आपकी मसल पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपके हाथ में जान आएगा वैसे वैसे आप स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और अगर दोस्तों समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों मैंने ऑनलाइन क्लासेस अब मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू अगर आपको वीडियो कॉल करके अगर आपको सीखना है तो मैंने क्लासेस शुरू कर दिए थे। और इतने दिन से आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्लासेस क्यों नहीं लेके आया मैं,
तो दोस्तों मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं मोबाइल के इंटरनेट से ही मैं कॉल करके देख रहा था। दो चार पांच छह जनों को मैंने सिखा भी रहा हूँ अभी, और लोग सीख रहे थे, तो मैंने चेक कर रहा था कि किस तरीके से ये वीडियो कॉल पे सही से बात हो पा रही है कि नहीं, सिखा पा रहे कि नहीं। तो दोस्तों कन्वर्सेशन बहुत अच्छी तरीके से हो पा रही है, इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया। अगर आपको सीखना है तो नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पे एक बार छोड़ दीजिए व्हाट्सएप करके, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मेरा मोबाइल वो स्विच ऑफ भी रहता है। और तो अगर आप मैसेज कर देंगे तो मैं टाइम टू टाइम उस पर चेक करता रहता हूँ, हर 2 घंटे 3 घंटे या शाम सुबह शाम को मैं चेक करते रहता हूँ, मैं उस पर रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट होगा तो मैं अपना अपना नंबर भी दे दूंगा, उस पर जाके हम दोनों हम सब बात कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।